नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव में, जहां हम आपको दिन भर की कमोडिटी मार्केट की खबरों से अवगत कराते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज, कुछ रिसर्च बेस्ड ऐसी स्टोरीज भी लेकर आते हैं जिससे आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़े। और गोल्ड पे जो फेस्टिव समय है, इस वजह से हम गोल्ड पे इस तरह की सीरीज कर रहे हैं। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है गोल्ड फ्यूचर्स को लेकर, कि गोल्ड फ्यूचर्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या है उसकी बारीकियां, कितना मार्जिन लगता है, कितना फायदा और कितना नुकसान, हर गिरावट पे कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, हर बातों का जिक्र करेंगे। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चार मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एसएमसी कॉम ट्रेड की वंदना भारती, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, और एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता जी हैं, और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आप चारों ही मेहमानों का इस मंच पर स्वागत है। सबसे पहले शिवांशु मेहता जी, आपके पास आना चाहूंगा, और गोल्ड फ्यूचर्स की जो बेसिक बातें हैं, अगर कोई ट्रेडर, नया ट्रेडर आना चाहता है, अगर गोल्ड फ्यूचर्स में एंट्री करना चाहता है, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या कुछ उसकी बारीकियां हैं गोल्ड फ्यूचर्स की? जी हाँ, देखिए, हर तरह के निवेशक को और ट्रेडर को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट डिनोमिनेशंस के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि गोल्ड किलोग्राम कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा बेंचमार्क है, वो आज की डेट पे लगभग अगर 50 लाख की वैल्यू रखता है, तो जो गोल्ड मिनी है जिसका डिलीवरेबल यूनिट 100 ग्राम की बार है, वो उससे 1/10 वैल्यू यानी कि अराउंड 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी तरह से गोल्ड पेट्रोल जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 ग्राम डिलीवरेबल रूप में हो वर्ल्ड में कहीं भी, जी जी, वो जो है वो 1 ग्राम का होने की वजह से उसकी डिनोमिनेशन केवल 5,000 रहती है। जी। तो लिहाजा इन तीनों में काम करने के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जी जी, वो उसी रेशो में कम रहती है। तो अगर टिपिकली गोल्ड के ऊपर मार्जिन 9% के करीब है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 4.5 लाख गोल्ड किलोग्राम पे उसी तरह 45,000 के करीब 100 ग्राम पे, और 450 रुपए केवल से आपकी कारोबार शुरू कर सकता है गोल्ड पेट्रोल। और एक शिवांशु जी, एक और छोटी सी बात, अगर 1 रुपए अगर गोल्ड का जो भी प्राइस है, अभी मान लीजिए 50,000-450 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड अभी कारोबार कर रहा है, अगर यहाँ से अगर 1 रुपए गिरता है, तो गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट में कितना फायदा या नुकसान होगा, और अगर गोल्ड मिनी में कितना होगा और गोल्ड पेटल में कितना होगा, 1 रुपए के मूवमेंट पे सिर्फ बता दीजिए। मूवमेंट प्रॉफिट लॉस या हार जीत कहते हैं, किलोग्राम कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपए का फर्क पड़ेगा और 10 रुपए का फर्क गोल्ड मिनी में रहेगा, और जो गोल्ड पेटल है उसमें केवल 1 रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइस भी रुपीज पर ग्राम में है। ओके। और अब मार्जिन की बात आपने की कि गोल्ड के बेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 4.5 लाख का अभी मौजूदा भाव के हिसाब से मार्जिन है, अगर उसके और मिनी में उसी तरह आपका करीब करीब 45,000-50,000 रुपए के आसपास है, उसके बाद ऊपर से जो वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है, ऊपर किस तरह के और मार्जिन आगे बढ़ते जाते हैं? जी हाँ, तो देखिए, इसमें एक जो रेगुलेटरी सर्कुलर है जो हमें गाइड करता है, वो एक फ्रेमवर्क, मार्जिन फ्रेमवर्क का सर्कुलर होता है। उसके अंदर हर एक कमोडिटी को उसकी जो वॉलेटिलिटी है, हिस्टोरिकल 3 साल की वॉलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसे 3 स्लैब्स में डिवाइड किया है। तो गोल्ड है वो लो वॉलेटिलिटी में आता है, तो इसका बेसिक जो मार्जिन है वो 6% निर्धारित है। okay. और सिल्वर जो है थोड़ा हाई वॉलेटाइल है, तो उसे 10% के स्लैब में रखा गया है। okay. तो जो इनिशियल मार्जिन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो या तो ये निर्धारित नंबर रहेगा या वैल्यू एट रिस्क बेसिस पे यानी वॉलेटिलिटी को देखते हुए जो हायर ऑफ द टू है वो रहता है। सो टिपिकली आज की डेट में जितने भी मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, तीनों को मिला के देखा जाए तो 9.25% यानी 9.25% टोटल मार्जिन गोल्ड के प्रोडक्ट्स के ऊपर इस समय लगता है, और सिल्वर के ऊपर लगभग 16%। ओके, 16% जी। वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा, इसलिए वहाँ मार्जिन ज्यादा लगता है। ये और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी बारीक बातें बता दे अपने दर्शकों को। बिल्कुल सही है। देखिए, ऑप्शंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको 1 टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम की है, एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम देकर आपने अपनी पोजीशन ले ली, और उसमें उसके बाद एंड टू एंड नहीं है बायर के लिए। तो कहने का मतलब है कि उसने अपनी डाउन साइड को इंश्योर कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, और वो अपसाइड में पार्टिसिपेटिव अभी भी रहा, बना हुआ है जी। तो ये ऑप्शन प्रोडक्ट की एक खासियत है,
तो लोग दोनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, हेजर्स जो हैं वो फ्यूचर्स को भी और ऑप्शंस को भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह जो रिटेल निवेशक हैं वो कई कॉम्बिनेशंस में स्ट्रेटजीज में दोनों का लाभ उठाते हैं ऑप्शंस का। यानी आप हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में जब वोलेटाइल हो जाए, अगर आपने लॉन्ग बनाया है तो नीचे की तरफ पुट खरीद सकते हैं, तो इस तरह से आप हेजिंग भी कर सकते हैं। शुक्रिया शिवांशु इन तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब गोल्ड फ्यूचर्स की कुछ बारीकियों पे अब बात कर लेते हैं। मनोज जैन जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी आप बताइए, क्या एक अगर कोई नया ट्रेडर अगर फ्यूचर्स मार्केट में आता है तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? नमस्कार विष्णुमोहन जी। बिल्कुल, नया ट्रेडर अगर यहाँ मार्केट में आता है फ्यूचर्स मार्केट में, तो उसके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के काफी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसा की शिवांशु भी बता रहे थे की एमसीएक्स के जो है यहाँ पे 1 kg का लॉट भी होता है, 100 ग्राम का भी और 1 ग्राम का पेटल में भी यहाँ ट्रेड होता है। तो जो छोटे निवेशक हैं उनको मिनी या पेटल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ट्रेडिंग के लिहाज से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर मिनी की बात करें तो वो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ पे जो मार्जिन है वो लगभग 45 से 50 हज़ार रुपए की लगती है। वही अगर पेटल की बात करें जो बिल्कुल ही छोटे निवेशक है, तो उनके लिए गोल्ड पेटल में के थ्रू ट्रेड करना जो है वो लाभदायक रहता है, क्योंकि एक तो वहाँ मार्जिन भी कम होता है और धीरे धीरे वो पेटल में जो है अक्यूमुलेट करके पोजीशन और वहाँ डिलीवरी भी ले सकते हैं। ओके, तो छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड मिनी और गोल्ड पेटल एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एमसीएक्स पर ट्रेड होते हैं। यानी जो नए अगर ट्रेडर आना चाहते हैं बाजार में और छोटे ट्रेडर हैं तो गोल्ड पेटल, इसलिए मार्जिन बहुत कम लगता है, शुरुआत में 450 रुपए के मार्जिन से आप एंट्री कर सकते हैं और गोल्ड में ट्रेडिंग का फायदा भी उठा सकते हैं। गोल्ड पेटल कितना अट्रैक्टिव है? सुनील कटके जी आप बताइए, गोल्ड पेटल पर अपनी राय दें कुछ। विष्णु मोहन जी, मुझे लगता है गोल्ड पेटल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एसआईपी के तौर पे भी छोटे निवेशक जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मार्जिन अगर मैं बात करता हूं 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5,000 का वैल्यू है, उसका अगर मैं 8% देखता हूं तो 450 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, तो इन अ वे 450 रुपए से मैं 1 ग्राम अगर आज खरीदता हूं और प्राइसेस अगर थोड़े गिर जाते हैं तो मैं और 450 रुपए देके और 1 ग्राम में एक्युमुलेट करके जा सकता हूं। तो जो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विटी में करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं, उसी तरीके से फ्यूचर्स में भी अगर आप एक 3 या 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हैं तो एक ग्राम करके आप एक्युमुलेट करके जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसका फायदा उठा सकते हैं और इन अ वे एक 3 या 4 महीने में एक अच्छी एवरेज वाली प्राइस की पोजिशन जो है आप बना सकते हैं। तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट जो है जो न्यू एंट्रेंट है उसके लिए भी लाभदायक है और जो लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको 3 से 4 महीना होल्ड करना है और उन्हें एक ही प्राइस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं अक्यूमुलेट करना है, वो 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम करके अपने कैपेसिटी के हिसाब से बाय सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फिजिकल मार्केट में 5,000 रुपए देके 1 ग्राम का गोल्ड अक्यूमुलेट करके घर में रखना, 10 ग्राम के लिए मुझे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके रखना, उससे अच्छा डिजिटल फॉर्म में आप सिर्फ 450 रुपए देके 1 ग्राम आप आपके डिजिटल अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको आगे चल के उसको फिजिकल में कन्वर्ट करना है तो आप डिलीवरी इंटेंशन देके एक्सचेंज से डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के। तो मुझे लगता है जो नए इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उन्हें जो 9 से लेके रात के 11:30 बजे तक का जो मार्केट टाइमिंग मिलता है मंडे टू फ्राइडे M6 के प्लेटफॉर्म पे, तो उसका मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके, वरना जी आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा था। अगर कोई गोल्ड फ्यूचर्स में, अगर मान लीजिए कोई गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड करता है और अगर उसका ऑप्शंस में अगर पुट खरीद लेता है, अगर उधर लॉन्ग कर रहा है, तो कितना इतना वायबल है क्या कि उधर के कॉस्ट से आपकी ऑप्शंस की प्रीमियम निकल जाए और हेजिंग का भी काम हो जाए? जी, इस तरीके से काफी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे विश्वमोहन जी बनते हैं और हेजिंग का भी यहाँ पे पर्पस फुलफिल होता है। और दूसरी चीज है कि जितना हमें यहाँ पे खर्च आ रहा है बड़े गोल्ड में, हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें सस्ता खर्चे में हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और इस तरीके के काफी लॉन्च हुए हैं, चाहे वो NSE हो, BSE हो, MCX हो, तो यहाँ पे ऑप्शंस का जो खर्चा है वो काफी कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शन से शुरुआत कर सकते हैं या गोल्ड मिनी फ्यूचर्स से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दोनों टूल्स बहुत अच्छे हैं। मेगा गोल्ड मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, जो यहाँ पे न्यू यहाँ पे एंट्री जिन्होंने ली है मार्केट में या जिनका पोर्टफोलियो साइज यहाँ पे स्मॉल है। ओके, मनोज जी आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए मैंने गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन बनाई है और चारों की हेज करूं, तो अगर पुट लिया मैंने
तो क्या पुट का प्रीमियम निकल जाएगा क्या, गोल्ड अगर ऊपर की ओर जाता है तो क्या प्रीमियम का जो मुझे नुकसान हुआ क्या वो गोल्ड फ्यूचर्स से निकल जाएगा क्या, इतना कम प्रीमियम होगा या इतना ज्यादा होगा कि गोल्ड में तेजी के बाद भी हम अपना नुकसान कवर नहीं कर पाएंगे? मैं बिल्कुल हेज कर सकते हैं कि जैसा भी वन्ना भी बता रही थी कि आज अगर गोल्ड में पोजीशन लेते हैं और उसके साथ में अगर आप ऑप्शन हेज करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करता है, अगर कहीं भी किसी भी ओर की मूवमेंट होती है, अगर आप गोल्ड मिनी लॉन्ग किया है और उसके साथ में अगर पुट का पोजीशन लिया है तो अगर आपका अगर गोल्ड में गिरावट आती है तो वहां आपका पुट का जो वैल्यू है वो बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन से कंपनसेट कर देता है जी। तो इस तरह की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बना करके भी जो है यहाँ पे काम किया जा सकता है। ओके, यानी आप देख ले अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शंस के प्राइस चेक कर ले कि किस ऑप्शंस के प्रीमियम इतना कम है कि गोल्ड अगर आपने लॉन्ग किया है तो ऊपर की तरफ जो फायदा होगा उससे प्रीमियम कम से कम कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि प्रीमियम इतना ज्यादा हो कि गोल्ड में उतनी तेजी भी नहीं आए और प्रीमियम का भी आपको नुकसान हो जाए। चलिए मनोज जी, शुक्रिया इन तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे ट्रेडिंग की। आज के इंट्राडे में आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल में क्या करना चाहिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सोने और चांदी में, जहां बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है और गोल्ड देखिए अभी 50,400 के आसपास हो गया है। सुनील जी, गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए क्या ट्रेड आप सलाह दे रहे हैं? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कल जैसे हमने तकरीबन 600 रुपए का गिरावट देखा गोल्ड में डोमेस्टिक मार्केट में, मुझे लगता है वो वीकनेस जारी रहेगा क्योंकि यूएस स्टिमुलस पैकेज को लेके जो होप्स थी अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के तौर पे अभी देखा जा रहा है कि वो शायद चांसेस नहीं है इलेक्शन से पहले होने का, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ एक हफ्ता दूर है और इवन डॉलर इंडेक्स उस चक्कर में 93.40 के लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है जो कि कुछ ही दिन पहले 92.70 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था। तो जो डॉलर इंडेक्स में मजबूती हमें देखने को मिल रही है उसका थोड़ा सेलिंग प्रेशर के तौर पे गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो मेरा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सुझाव ये रहेगा 50,400 और 50,500 के रेंज में सेल इनिशिएट कर सकते हैं, 50,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 50,100 का एक टारगेट जो है इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी ने भी $24 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है तोड़ चुका है, तो अभी $23.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है कॉमेक्स पे। डोमेस्टिक मार्केट में भी तकरीबन 60,200 के रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। तो 60,200 और 60,300 के रेंज में सेल इनिशिएट कर सकते हैं, 60,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 59,700 तक का एक लेवल जो है इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। यानी सोना और चांदी दोनों ही इंट्राडे के लिए बेचने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। चांदी का स्टॉप लॉस है 60,600 का और सोने में जो स्टॉप लॉस इन्होंने बताया वो है 50,650 का। वरना जी, क्रूड मार्केट पर आपकी क्या राय, कल की भारी गिरावट के बाद आज हल्की रिकवरी है? मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी की सस्टेन करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बहुत यहाँ पे तेजी है और जिस तरीके से यूएस इलेक्शंस है 3 नवंबर को, उससे पहले मुझे लग रहा है कि एक सेफ एवन बाइंग जो है डॉलर इंडेक्स में आएगी और रिस्कियर एसेट से पैसा जाएगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से 2780 थोड़ी सी रिकवरी पे यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 2720 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2810 का। ओके, और एनजी पे क्या व्यू है आपका? विश्वमन जी, एनजी को काफी फायदा यहाँ पे मिला है, एक्सपोर्ट भी बढ़िया रहा है यूएस से और साथ में एक विंटर डिमांड भी अभी आ रहा है, हीटिंग डिमांड इसका फायदा यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हुई है, थोड़ा करेक्ट होता है, 240 से करीब मार्केट आती है तो यहाँ पे बाय करें, 248 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस यहाँ पे 236 का लगा के चलना चाहिए, तो करेक्शन पे बाय की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस बाय और क्रूड सेल। सुनील जी, आप फटाफट से कॉपर पे अपनी राय दे दे। जी विश्वन मोहन जी, मुझे लगता है जो अभी कोविड केसेस जैसे बढ़ रहे हैं और इवन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ग्रोथ फोरकास्ट था कॉपर को लेके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, वो कहीं ना कहीं थोड़ी हॉल्ट होते हुए नजर आ रही है, तो मुझे लगता है डे पर्सपेक्टिव से भी उसका एक असर देखने को मिलता है। कल हमने 524 तक का एक टारगेट देखा था जहां से रिकवर हुआ था, आज के लिए 530.50 में मैं सेल रेकमेंड करूंगा, 532.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और मुझे लगता है 525 तक का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है आज। ओके, शुक्रिया सुनील जी और वंदना जी, आप दोनों का ही इन तमाम ट्रेडिंग कॉल्स और अपनी राय दर्शकों को देने के लिए।
तो कमोडिटी लाइव को यहीं समझते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट रडार, जहां हमारे साथ होंगे एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ महेश कुमार शर्मा, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज के भी मैनेजमेंट से खास बातचीत होगी। तो आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।